हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसजी फूड वर्ल्ड में। चाउमीन को नया ट्विस्ट एंड टर्न देते हुए आज मैं बनाऊंगी वर्मिसली चाउमीन। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, इसे सेवई उपमा भी बोलते हैं। इसे शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले एक कढ़ाई लें, फ्लेम ऑन करें, ऐड करें 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। अब ऐड करेंगे वर्मिसली, ये प्री रोस्टेड वर्मिसली है। एक मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। जब ये सॉटे हो जाए तो एक मिनट बाद इसमें ऐड कर देंगे 3 कप पानी। जिस कप से आपने वर्मिसली ली है उसी कप से पानी भी लेना है। स्टर कर लेंगे। कढ़ाई को लिड से कवर करके 7 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, या फिर जब तक पानी सूख जाए और वर्मिसेली पक जाए। अब ढक्कन हटाएंगे और स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से हिलाएंगे। वर्मिसेली पकी है या नहीं ये जानने के लिए वर्मिसेली को उंगलियों पर लेके दबा के चेक कीजिए। अगर ये आसानी से दब रही है तो मतलब वर्मिसली अच्छे से पक गई है। पर ध्यान रखिए, हमें वर्मिसली को गलाना नहीं है। तैयार वर्मिसली को एक गहरे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए और थोड़ा ठंडा कर लीजिए। इससे क्या होगा, वर्मिसली जो आपस में चिपकी हुई है वो अच्छे से अलग अलग हो जाएंगी और वर्मिसली चाउमीन भी खिली खिली बनेगी। इसमें डलने वाले बाकी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ प्याज जिसे हमने लंबा लंबा बारीक काट लिया है, साथ ही लिए 1.5 कैप्सिकम। मैंने मिक्स कैप्सिकम ली है, रेड, येलो, ग्रीन, आप कोई एक भी ले सकते हैं। इसे भी लंबा बारीक काट लिया है। 1/4 बंद गोभी बारीक कटी हुई, 1 गाजर लंबी बारीक कटी हुई। सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। अब एक कढ़ाई लें, उसमें ऐड कीजिए 2 टेबलस्पून ऑयल, साथ ही डालिए प्याज जो हमने ऑलरेडी काट के रखा है। सॉटे कर लेंगे। ट्रांसलूसेंट कलर आ जाए तो इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। मीडियम फ्लेम पर 30 सेकेंड के लिए सॉटे करेंगे। अब ऐड करेंगे गाजर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सॉटे करेंगे 1 मिनट के लिए ताकि ये कच्ची ना रहे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अब ऐड कर देंगे कैप्सिकम और 30 सेकेंड के लिए उसको भी सॉटे कर लेंगे। सारी वेजिटेबल्स अच्छे से पक चुकी हैं। इसमें ऐड कर देंगे वर्मिसली, मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे और साथ के साथ मिक्स करते जाएंगे।
डेढ़ टीस्पून नमक, चुटकी भर अजीनोमोटो, दो टीस्पून विनेगर। अब इसमें डालेंगे शेज़वान सॉस। शेज़वान सॉस की क्वांटिटी एक चौथाई टीस्पून से आधा टीस्पून तक डाल सकते हैं, जितना स्पाइसी आपको चाहिए। शेज़वान सॉस की रेसिपी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। और इसमें डालेंगे आधा टीस्पून सोया सॉस, मिक्स कर लेंगे। एक चौथाई टीस्पून काली मिर्च, दो से तीन मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर सॉटे करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल गए हैं, फ्लेम बंद कर देंगे। रेडी है वर्मिसिली चाउमीन, बनाइए और सहपरिवार खाइए। बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कैसी लगी आप सबको ये रेसिपी। मिलेंगे ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।